पोलंड येथे झालेल्या जागतिक युवा बॉक्सिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत माजी नागपूरची लेक अल्फिया पठानीने सुवर्ण पदक पटकावून समस्त देशाची मान उंचावली आहे। अशा शब्दात कौतुक करून अल्फियाने युवा वर्ल्ड चॅम्पियन मेडल जिंकल्याबद्दल महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी तिचे अभिनंदन केले व तिच्या भावी आयुष्याबद्दल शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत। नागपूर महानगरपालिकेच्या सहकार्याने JCI नागपूर रॉयल या संस्थेद्वारे अल्फिया पठानला आउटस्टँडिंग यंग पर्सन हा पुरस्कार महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। यावेळी महापौर म्हणाले, परिश्रम करणाऱ्यांसाठीही काहीही अशक्य नाही, ध्येय निश्चित करून त्या दृष्टीने परिश्रम करण्याची तयारी असेल तर एक दिवस यश नक्कीच मिळते। मिळालेले यश कायम ठेवण्यासाठी सुद्धा परिश्रमातील सातत्य आवश्यक आहे। सातत्यपूर्ण परिश्रमातूनच अल्फिया पठाण या तरुणीने नवा आदर्श निर्माण केला आहे। अशा शब्दात महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी नागपूरकर आंतरराष्ट्रीय बॉक्सर अल्फिया पठाणचा गौरव केला। मनपा मुख्यालयातील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये झालेल्या छोटे खाणी समारंभात ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल उपस्थित होते। पुढे बोलताना महापौर म्हणाले, नागपूर बॉक्सिंग असोसिएशनचा अध्यक्ष या नात्याने शहरातील मुष्टीयोद्ध्यांशी संपर्क येतो। अल्फियाशी पहिल्यांदा भेट झाली तेव्हा पदक जिंकण्यासाठी असणारी जिद्द आणि त्यासाठी आवश्यक क्षमता अशीच तिची ओळख होती। आज यशाच्या एका टप्प्यावर असूनही ती ओळख तसून भरही तिने कमी होऊ दिली नाही, ही अभिमानाची बाब आहे। थोड्याशा यशानेही अनेकांना हवे तोडल्याचा भास होतो, मात्र यशाचे एक एक मजले गाठत असतानाही पाय अगदी जमिनीवर घट्ट रोवून बसते अल्फियाचा गुण व इतर खेळाडूंसाठी प्रेरणा ठरणार आहे, असेही महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले। 10वीची परीक्षा आणि स्पोर्ट्स कॅम्पसमध्ये निवड अशा दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या असताना खेळाला प्राधान्य देत त्या दृष्टीने मेहनत घेतल्याचा प्रसंग सांगताना अल्फियाच्या खेळाप्रती असलेल्या जिद्द आणि चिकाटीचे महापौरांनी कौतुक केले। अल्फिया को जो सम्मान दिया जा रहा है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी को दिया जाता है। जैसा उसका नाम है पुरस्कार का, अल्फिया में वो सारी शख्सियत है। उसका परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग ही रहा है। एक कम उम्र में अपने समर्पण से, अपने त्याग से और अपनी एकाग्रता से अल्फिया ने यह मुकाम हासिल किया है। वह अपने जीवन में इससे बड़े पुरस्कार हासिल करे, इसे शुरुआत समझे अंत नहीं, और भारत का नाम रोशन करते समय कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पदकों की तालिका में मेरे नागपुर का भी नाम अल्फिया रोशन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। फर्स्टली तो मैं JCI की पूरी होल टीम जो जिनने मुझे नॉमिनेट किया है या अवार्ड के लिए पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी यही चीज़ होती है जब वो रिकगनाइज होता है अपनी अचीवमेंट से, तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। और जैसे कि दयाशंकर तिवारी सर जो अभी मुझे अवार्ड सम्मानित करके दिए, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरा एजुकेशन में जब मुझे कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि सर हमारी नागपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से मेरा इतना अच्छा जैसे कि पढ़ाई देखें हमारी एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इतना अच्छा मैं कर पाई, तो उनके लिए उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। और ये अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी JCI की पूरी टीम को। जैसे कि जो भी लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है क्या सोच रही है, तो मैं बोलूँगी कि ज़रूर जाए आप, क्योंकि एक स्पोर्ट्स जैसे अब ये अब जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक खेलने के लिए आप एक एज अ करियर भी यूज़ मतलब कर सकते हैं, एज अ करियर आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लड़कियाँ जाइए और स्पोर्ट्स को भी अपना करियर बनाएं, क्योंकि उसमें भी आपको रिकगनाइज किया जाता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, बल्कि आपको सामने से ऑफ़र दिया जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं सभी लड़कियों को बोलूँ कि आप जाके ज्वाइन करिए और स्पोर्ट्स को भी एज अ करियर आप देखिए। कैमरामैन प्रवीण सह सनी भोंगाडे, शंखडा न्यूज, नागपूर।